हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया सुफियान विद अ न्यू लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम। आइए इन कैरेक्टरिस्टिक्स पर नज़र डालते हैं ताकि इनका मतलब वाजे हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेक्शन। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरेक्शन। सबसे मेजर जो एस्पेक्ट है वो स्टूडेंट की इंटरेक्शन है। इस स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम में स्टूडेंट की इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पर स्टूडेंट की इंटरेक्शन स्टूडेंट टू स्टूडेंट और स्टूडेंट टू टीचर और टीचर टू स्टूडेंट होती है, यानी कि ये एक चेन चलती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट्स एक्टिवली इंगेज होंगे कन्वर्जेशन में तो वो ज़्यादा लर्न करेंगे। अगर एक स्टूडेंट ज़्यादा फोकस करेगा उस मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को जो क्लास में उसको प्रोवाइड की जा रही हैं, और वो स्मॉलर ग्रुप्स लार्जर ग्रुप्स में वो डिस्कशन करेगा, अपने आइडियाज़ को मूव ऑन करेगा, डिस्कस करेगा, तो वो इंटरेक्शन ज़्यादा शो अप करेगा और स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो ज़्यादा होती है। सेकंड पॉइंट इज़ लेसन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर ये बात हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस की है कि स्टूडेंट की मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। उससे क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि जब स्टूडेंट की मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट होगी तो जो लेसन टीचर ने डिज़ाइन किया है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में आसानी होगी। जब टीचर के नॉलेज में ये चीज़ आती है कि स्टूडेंट उन तमाम एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली कैरी कर रहे हैं जो उसने डिज़ाइन की है स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के लिए, तो फिर टीचर्स के लिए आने वाले लेसन्स को भी डिज़ाइन करना और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाती है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स लर्न मोर बाय एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पर ये पॉइंट समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम में ये बात मेन पॉइंट है कि स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करने से ज़्यादा सीखते हैं, अपनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा सीखते हैं। जब एक लेक्चर स्टूडेंट्स को उनकी इन्वॉल्वमेंट और एक्सपीरियंसेस के साथ समझाया जाएगा, प्रैक्टिकल करके समझाया जाएगा, तो आसानी हो जाएगी स्टूडेंट्स को अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में, अपने टास्क कंप्लीट करने में, टॉपिक को समझने में। नंबर फोर्थ पॉइंट इज स्टूडेंट्स अप्लाई न्यू लर्निंग टू रियल लाइफ एंड ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस। जब स्टूडेंट्स क्लास में इन्वॉल्व होते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, मुख्तलिफ प्रैक्टिकल से गुजरते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सपीरियंसेस करते हैं, तो स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो इसी तरह वो दूसरों के आइडियाज़ को गेन भी करते हैं, सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं, मुख्तलिफ किस्म की महारतों को अपने अंदर इन्हेल करते हैं। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फिर उन महारतों को, उन स्किल्स को अपनी रियल लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं और फिर अपने लिए उसको मोटिवेशन के तौर पर लेकर चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स वॉइस इन एवेल्युएशन। नंबर्स, परसेंटेजेस, ग्रेड्स इन रिपोर्ट कार्ड्स नहीं बताते स्टूडेंट्स की कंप्लीट लर्निंग के बारे में, लेकिन जब स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है क्लास में, क्लास कम्युनिकेशन में, क्लास के प्रैक्टिकल्स में, क्लास के एक्सपीरियंसेस में, एक्टिविटी में, लेक्चर्स में, जब स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया जाता है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को एवेल्युएट करना ज़्यादा आसान है। जब बच्चा पेपर्स देता है तो रिटन में, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा रिटन में बहुत अच्छा, कोई बच्चा होता है वो उसको आता सब कुछ है, लेकिन वो पेपर को उन तीन घंटों में या दो घंटों में बच्चा पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाता तो वो अपनी बहुत सारी चीज़ें छोड़ जाता है, स्किप कर जाता है। लेकिन वही स्टूडेंट हो सकता है एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव हो रादर देन उस बच्चे के जो राइटिंग में बहुत अच्छा है। लिहाजा हम बच्चे की कंप्लीट एवेल्युएशन नहीं कर सकते एग्जामिनेशंस में नंबर्स, परसेंटेजेस और ग्रेड्स या रिपोर्ट कार्ड्स की सूरत में, लेकिन जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं क्लास के एक्सपीरियंसेस, एक्टिविटीज़ में, तो वहाँ पर बच्चों को एवेल्युएट करना ज़्यादा आसान होता है। सिक्स पॉइंट इज टेक्नोलॉजी इंटेग्रेशन। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी क्लास को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भर दिया जाए, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर तरह की पॉसिबल टेक्नोलॉजी बच्चों को पहुँचाए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो बच्चों तक पहुँचाए, लेकिन अपने क्लास एक्टिविटीज़ को इफेक्टिव बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। और बच्चे भी चूँकि टेक्नोलॉजी की तरफ रागिब होते हैं, नई नई चीज़ों को उसमें प्रैक्टिकल करने के लिए बच्चे रागिब होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा काम करती है। बिकॉज स्टूडेंट्स ऑलवेज लव टू ट्राई देयर हैंड एट न्यू टेक्नोलॉजीज़, लिहाजा इस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। सेवन्थ पॉइंट इज स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम क्लासमेट्स। बच्चे अपने क्लासमेट्स से भी सीखते हैं। बच्चे जब क्लास में बैठते हैं तो बच्चे एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, टीचर्स अपने एक्सपीरियंसेस बच्चों से शेयर करते हैं, बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस टीचर्स से शेयर करते हैं, तो एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है।
नंबर 8 पॉइंट इज ऑप्शंस फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स. बच्चों के पास ऑप्शंस होनी चाहिए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए. बच्चों के पास चॉइसेस होनी चाहिए, उन्हें चॉइसेस देनी चाहिए. वो जब चॉइसेस चूज करते हैं तो फिर वो बच्चों को उस काबिल बनाते हैं कि वो कुछ लर्निंग कर लें. टीचर्स के लिए डेमोंस्ट्रेट करना ईजी हो जाता है कि उनके बच्चे क्या सीख रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और वो क्या सीखना चाहते हैं. 9 पॉइंट इज स्टूडेंट्स रिसीव फ्रीक्वेंट डायरेक्ट एंड टाइमली फीडबैक. एक और जो करेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग और टीचिंग की वो ये है कि स्टूडेंट्स कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं और टीचर्स क्या करते हैं जी, बच्चों को कहते हैं या ग्रुप्स को कहते हैं, जो ग्रुप्स टीचर ने बनाए होते हैं क्लास में या जो स्टूडेंट्स उन्हें कहते हैं कि आप जो अपने रिजल्ट्स हैं उनके बारे में बात करें और अपने जो रिजल्ट्स हैं वो शेयर करें अपने साथ में पढ़ने वालों के लिए, जो साथ में जितने भी ग्रुप्स हैं. उससे क्या होता है कि डायरेक्टली और टाइमली फीडबैक स्टूडेंट्स को मिल जाती है. 10th पॉइंट इज स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू एक्सप्लेन मटीरियल टू देमसेल्व्स एंड अदर्स. अगर आपका स्टूडेंट क्रिएटिव है और किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए स्टूडेंट इन्वॉल्व हो सकता है और एक प्रोसेस के लिए वो एक नई चीज़ सोच सकता है, तो क्यों ना उसको मौका दिया जाए. स्टूडेंट सेंटर करिकुलम में बच्चे को ये इंकरेजमेंट मिलती है कि वो एक्सप्लेन करे उस मटेरियल को अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स रेगुलरली इंगेज इन कम्युनिकेशन. स्टूडेंट सेंटर करिकुलम में ये होता है कि स्टूडेंट्स रेगुलरली इंगेज होते हैं, कभी टीचर के साथ, कभी स्टूडेंट के साथ, ग्रुप्स में, इंडिविजुअली, प्रेजेंटेशन की सूरत में, टॉपिक की सूरत में. इसके अलावा क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, फीडबैक रिसीव्स कर रहे हैं, असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं और वो कोलैबोरेशन के साथ कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद के साथ कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस के साथ कर रहे हैं टीचर्स की, तो फिर स्टूडेंट्स रेगुलरली इंगेज होते हैं कम्युनिकेशन में. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स नो व्हाट दे आर लर्निंग एंड व्हाई. स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम में स्टूडेंट जानता है कि वो क्या टॉपिक है जिसके बारे में वो स्टडी कर रहा है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या मकसद है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका हम पर क्या असर होगा, तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें जानता है. 13 पॉइंट इज स्टूडेंट्स यूज पर्सनलाइज्ड टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस. स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग, यानी कि स्टूडेंट्स करके सीखते हैं इस टाइप ऑफ करिकुलम में. तो स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी का जब यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स उसके अंदर स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से, अच्छा ये जो मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स, इनको यूज़ करना काफ़ी इजी होता है, हैंडल करना इनको इजी होता है राधर दैन कंप्यूटर्स. ये बच्चों की अप्रोच में है, लिहाजा स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं पर्सनलाइज टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज अ हायर डिग्री ऑफ इंगेजमेंट. स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम में स्टूडेंट की हायर डिग्री ऑफ इंगेजमेंट होती है. स्टूडेंट्स स्टैंडिंग अप एंड टॉकिंग टू अदर्स टू कंप्लीट सम असाइनमेंट्स क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज टू टॉक एंड लर्न फ्रॉम अदर्स. स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं दूसरे से अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, कभी इससे डिस्कशन, कभी उससे डिस्कशन, कभी स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कभी टीचर टू स्टूडेंट, कभी स्टूडेंट टू टीचर. तो वो अपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस कर रहा होता है, सिखा भी रहा होता है और सीख भी रहा होता है. इसलिए स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम की ये करेक्टरिस्टिक है कि ये एक हायर डिग्री ऑफ इंगेजमेंट है. 15 पॉइंट इज टीचर्स डू वर्क हार्डर देन देयर स्टूडेंट्स. टीचर्स ने स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम को कामयाब बनाना होता है और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना होता है, स्टूडेंट्स को इंगेज करना होता है. तो स्टूडेंट्स जो हैं वो हार्डर वर्कर होते हैं रादर देन द स्टूडेंट्स. टीचर्स ने क्या करना होता है, टीचर्स ने एक्टिविटीज़ असाइन करने, टीचर्स ने प्रोजेक्ट्स बच्चों को दिखाने हैं, टीचर्स ने अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को बतानी है कि ये चीज़ें हैं इसमें से आपने चूज़ करना है. तो टीचर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है रादर देन स्टूडेंट्स के. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर.